हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंडियन रेलवे के डबल डेकर ट्रेन के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, इंडियन रेलवे में डबल डेकर ट्रेन की हिस्ट्री बहुत पहले से ही है, लेकिन कुछ सोर्सेस ऐसे हैं जो गलत बताते हैं कि भारत की पहली डबल डेकर अक्टूबर 2011 में चली थी, जबकि भारत में सबसे पहले डबल डेकर ट्रेन 12 डब्बों के साथ मुंबई से पुणे सिंहगाट एक्सप्रेस है, जिसका उद्घाटन अप्रैल 1978 में ही तत्कालीन रेल मंत्री मधु दंतवदे के द्वारा किया गया था। इसके अलावा खुदरा डबल डेकर और भी हैं, जो कि मई 1975 से ही चल रहे हैं। धनबाद से हावड़ा के बीच चलने वाली ब्लैक डायमंड ट्रेन में भी डबल डेकर डब्बे चलते थे। दोस्तों, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ICF के द्वारा बनाया गया उस समय का यह डबल डेकर है किस तरह से होता था। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हम अपने रेलवे की हिस्ट्री को भूलकर नए टाइप के डबल डेकर के बारे में जिक्र करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यह वर्तमान टाइम का डबल डेकर ट्रेन है, जो कि फुली एयर कंडीशन है। पुराने डबल डेकर के डब्बे नॉन एसी होते थे, इसलिए ऊपर के यात्रियों को ज्यादा गर्मी लगती थी और नीचे वालों को प्लेटफॉर्म की धूल अंदर घुसती थी और घुटन महसूस होती थी, क्योंकि नीचे वाले भाग के खिड़की प्लेटफॉर्म से लगभग बराबर होते थे। इसलिए नॉन एसी वाले डब्बे ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुए और ऐसे डबल डेकर को बंद कर दिया गया। लेकिन मुंबई से सूरत के बीच चलने वाली फ्लाइंग रानी डबल डेकर है, जिसकी शुरुआत 1906 ईस्वी में हुई थी, जो आज भी चलती है। यह ICF कोच वाली नॉन एसी डबल डेकर है, लेकिन जल्दी ही यह हमारे बीच एक हिस्ट्री बन जाएगी। दोस्तों, एसी डबल डेकर ट्रेन की शुरुआत 2011 में हुई थी। इसके कोच LHB जरूर हैं, लेकिन यह आम LHB से अलग हैं। जब यह प्लेटफॉर्म से गुजरती है, तब इनकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर तक प्रतिबंधित होती है, क्योंकि सेंटर में प्लेटफॉर्म की ऊंचाई सिर्फ 2 फीट रहती है, जिसके कारण इनका स्पीड प्लेटफॉर्म के पास कम करना पड़ता है, जबकि अदर LHB कोच अपनी फुल स्पीड में भी जा सकते हैं। दोस्तों, वास्तव में यह डबल डेकर 3 फ्लोर वाले होते हैं। जैसे ही आप दरवाजे से अंदर जाएंगे, तब आपको एक फ्लोर मिलेगा, उसके नीचे एक फ्लोर रहेगा और तीसरा उसके ऊपर। इस तरह से डबल डेकर में पूरे 3 फ्लोर होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको डबल डेकर से जुड़ी बातें पसंद आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।